नमस्ते प्रणाम। हम काजल सिंह एक्टर रहे सबके गोर छुके गोर लागत तनी उम्मीद करतनी बहुत ज़्यादा मस्त होगा स्वस्थ होगा व्यस्त होगा। तो आप लोग यही सोचते होंगे ना काजल कौन सी जंगल में खड़ी होके वीडियो बना रही है। तो मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ मैं जंगल में नहीं खड़ी हूँ। चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल घंटी दबाना मत भूलिएगा। और आप लोग वीडियो में बने रहे, मैं आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाने वाली हूँ। गांव में जो चीज़ होता है अक्सर करके, शहर में तो नहीं होता है, गाँव में जो होता है। और एक्चुअली हमें भी गाँव में बहुत अच्छा लगता है, बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं अपने गाँव आ चुकी हूँ और रोड से आप लोग ये सोचते होंगे ना मैं जंगल में हूँ, तो नहीं, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ मैं जंगल में नहीं हूँ। वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं अपनी छत पे हूँ और जो भी आगे पीछे है मतलब वो मतलब पेड़ पौधा लगाया गया वहाँ पर, धान है और यहाँ पर शीशो का पेड़ है, यहाँ पर सौगन का पेड़ है। तो मैं बताना चाहती हूँ ये जो सौगन का पेड़ है ये मैं खुद से लगाई हूँ। पापा मेरे बोल रहे थे लगाने के लिए, पापा से पहले मैं लगा दी थी और क्योंकि मेरे पापा ही पेड़ ले आए थे और मैं लगाई थी। ये 10 साल हो गया होगा पेड़ का, मैं बहुत छोटी थी तभी इसको मतलब ये पौधे को मैं लगाई थी। और इधर देख सकते हैं आप लोग आम का पेड़ है, उधर सौगन है, इधर सौगन है और ये अमरूद का पेड़ है, वहाँ पर सहजन का पेड़ है जो सहजन खाया जाता है वो सब चीज़ें। और ये जो अमरूद है ना ये मतलब ये जो मेरे अगना है मतलब छिंदवाड़ी का इस साइड ही है, उस पार नहीं है। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो में ऐसे ही जुड़े रहें, मैं आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे चीज़ दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं छत भी आ चुकी हूँ और मैं यहाँ का लोकेशन दिखाती हूँ, मैं अपने द्वार का लोकेशन दिखा रही हूँ। यहाँ पर शीशो का पेड़ है और एक्चुअली ये मेरा द्वार है जो है, ये भी मेरा द्वार है। और जो गाय है वहाँ पर मतलब गाय के लिए बना हुआ है, उसमें भूसा हुआ रखा जाता है। और ये पेड़ पौधा है और देख सकते हैं आप लोग, अभी मेरी गाय चढ़ने के लिए गई है, गाय आएगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और वहाँ पर जो है हल्का सा तूत का पेड़ है, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से मेरा ये द्वार है, तो यहाँ पर जो द्वार है मेरा बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा द्वार है, इसके लिए अच्छा लगता है टहलने में। और छत पर आने के बाद सच बोले तो नीचे जाने का मन ही नहीं करता, इतना काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी तरफ मतलब गाँव में ऐसा माहौल है कि नहीं है और ऐसा लोकेशन है कि नहीं है, क्या आप लोग के मतलब घर के आगे पीछे या द्वार पे पेड़ पौधा है कि नहीं है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अमरूद का पेड़ है, इसमें दो दो अमरूद का पेड़ है। एक जो अमरूद है वो हल्का इतना छोटा छोटा होता है, जो मतलब एक और अमरूद का पेड़ है वो मतलब इतना बड़ा बड़ा होता है। अभी फरा नहीं है और ऐसे फुला रहा है, मतलब फरा नहीं है। और मैं छत पर आई हूँ, हमें बहुत काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं सोची क्यों नहीं छत का वीडियो मैं बना लूँ एक आप लोग के लिए। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमारे तरफ बारिश हुआ है, क्या आप लोग की तरफ बारिश हुआ है कि नहीं हुआ है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल घंटी दबाना मत भूलिएगा। मैं बोल चुकी हूँ और मैं फिर से रिपीट किया हूँ, और हमें बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है और बारिश का मौसम है, तो प्लीज़ मैं आप लोग को यही बोलूँगी बारिश से बचने की कोशिश करिए। मेरा तबीयत ख़राब है, मैं नहीं सोच रही हूँ जो भी मेरे YouTube फैमिली है या जो भी मेरे फैमिली हैं उन लोग का भी तबीयत ख़राब हो, उन लोग का भी सेहत मतलब सही ना हो। तो अभी मैं मतलब मैं हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर के पास मैं दवा लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत काफ़ी आ रहा था, अभी सिरप पी हूँ तो मतलब अभी तो थोड़ा वेस्ट है, सही है थोड़ा, और आगे जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और एकदम हरा हरा चीज़ मतलब यहाँ पर वीडियो बनाने पे इतना अच्छा लगेगा, इतना काफ़ी अच्छा लगेगा खुद से नहीं मालूम, एकदम हरा हरा चीज़ देखने में बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी तो मैं छत पे वीडियो बनाऊँ और आप लोग के लिए मैं छत पे वीडियो बनाऊँ और वीडियो डालूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो क्या मैं यहाँ पर मतलब वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। और ये हरा हरा चीज़ है देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊंगी तो हमें अच्छा लगेगा। और पता नहीं आप लोग को मतलब अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब भी मतलब कहते हैं ना पंखे की हवा कितना भी आप लोग खाएं ना तो लगता है कैसे एक बीमारी आप लोग को पैदा होता है। और जब कोई भी मतलब पौधा की हवा आप खाएँगे ना तो जो आपके पास इतना रोग रहेगा ना वो रोग मतलब ख़त्म हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा रोग। तो पंखे की हवा में ज़्यादा अच्छाई है तो पेड़ पौधा के हवा में ज़्यादा मतलब अच्छा है। तो हमारे हिसाब से तो
तो पंखे के जो हवा होता है उससे बीमारी पैदा होता है, और जो पेड़ पौधे की हवा रहता है उससे बीमारी को दूर किया जाता है। तो आप लोग भी अपने घर पे ऐसे ही पेड़ पौधा लगा के रखिए और पेड़ पौधा की हवा खाइए, और हमें तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कितना काफ़ी दिन के बाद मतलब हम अपने गांव आए हैं और मतलब हवा खाए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, बहुत लोग का कमेंट आ रहा है शूटिंग तब कब होगा, कब नहीं होगा, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, अभी मेरा तबीयत बहुत ख़राब है और मैं उतना सही नहीं हूँ जो मैं भी शूटिंग कर सकूँ। और लड़की सब से बात करनी होगा, लड़की सब तैयार होंगी तो मैं 1-2 महीने के अंदर शूटिंग कराऊंगी। और अभी मैं गांव आई हूँ इसके लिए अभी मैं शूटिंग नहीं कर सकती हूँ, अभी कुछ दिन मैं आराम करना चाहती हूँ और थोड़ा मेरा सेहत भी सही नहीं है, आप लोग को तो पता ही है। चलिए मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी, वीडियो यहाँ पर एंड करूँगी। और हाँ, जब भी कॉमेडी का वीडियो जाएगा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी, तो आप लोग जाइएगा वीडियो देखिएगा, खूब ज़्यादा दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। और चलिए मैं वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।